आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ITF। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पढ़ने से पहले आप थोड़ा लिमिट में आ जाइए, जिसको हम बोलते हैं औकात में आ जाइए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि सर इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, या फिर इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ही क्लियर नहीं होता है तो फिर इनवर्स फंक्शन भी क्लियर नहीं होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत दूर की बात है। तो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद आई गारंटीड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसको मैं 3 स्टेप में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले इनवर्स के बारे में पता करेंगे कि इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, फिर आएंगे हम किसके ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि रेसिप्रोकल ही क्या होता है, इनवर्स होता है। एकदम गलत, टोटल जहर एकदम। ये एकदम रॉन्ग है। इनवर्स जो होता है वो रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब देखिए, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल के केस में ये होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री की ले लेता हूँ साइन एक्स। अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूँ तो रेसिप्रोकल कौन सा फंक्शन होगा, तो रेसिप्रोकल किसी फंक्शन का वो फंक्शन होता है कि जिसका मैं फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। जैसे साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin x। अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। राइट, तो 1/sin x इनवर्स नहीं कहलाएगा, 1/sin x क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल। और यही वजह है, क्लास 10th के अंदर हमको पढ़ाया गया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, और इसी वजह से साइन एक्स इंटू कॉसेक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ में आया हो ना, तो फटाक से चैनल अभी सब्सक्राइब मत करना, बाद में करना। अभी एक एक करके सारे डाउट तुम्हारे डिलीट करता जाऊँगा मैं। राइट, तो रेसिप्रोकल इनवर्स नहीं होता है। अब क्या मतलब है यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या कॉसेक एक्स बोलेंगे, नहीं, कॉसेक एक्स इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि चारपाई उल्टी कर दो, कि खटिया उल्टी कर दो, ये सब चीखने चिल्लाने से मैथ समझ में नहीं आती है। तो मैथ समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई बात समझ में। तो वही आप इस वीडियो के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, बोलते हैं हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या पड़ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। मेरे भैया कतई गलत है ये, जिंदा जहर एकदम, है ना। तो ये तो केस किसका हो गया, रेसिप्रोकल का हो गया। तो रेसिप्रोकल इज़ नॉट इनवर्स। लेट्स कम्स टू द पॉइंट कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो देखें, इनवर्स का केस बिल्कुल डिफरेंट है रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल में किसी फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है, अगर उसका मल्टीप्लाई आप फंक्शन के साथ करते हैं तो आउटपुट कितना आता है, 1 आता है। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं है। इनवर्स में किसी फंक्शन का इनवर्स वो फंक्शन होता है कि अगर मैं उसको अंडू करूं, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, अंडू करते हैं कोई चीज़, तो दोबारा से वही चीज़ क्या मिल जाती है आपको, वापस मिल जाती है। तो सेम चीज़ अगर किसी फंक्शन का आपको इनवर्स बताना है तो अगर आप उसको अंडू करेंगे तो दोबारा से वही इनपुट वैल्यूज़ मिलेंगी जो आपने फंक्शन के अंदर रखे थे। अब क्योंकि मैं आपको सिर्फ इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो फंक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इनवर्स को और अच्छे से समझने के लिए मैंने स्क्रीन पर एक इमेज लगा रखी है। देखिए, इसके अंदर एक इनपुट मैंने क्या मान लिया है, ग्रास। ठीक है, तो जैसे ही मैं ग्रास इसमें इनपुट रखूंगा तो मुझे इसकी इमेज स्काई के अंदर मिलेगी। मिल रही है आपको, देखिए, है ना। अगर मैं इस स्काई के अंदर जो इमेज है अगर मैं उसको अंडू करूंगा तो दोबारा से क्या मिल जाएगी, मुझे ग्रास मिल जाएगी। सेम चीज अब अगर मैं इनपुट क्या मान लूँ, स्काई मान लूँ, तो स्काई की इमेज किसके अंदर मिल रही है, ग्रास के अंदर। अगर मैं उसको अंडू करूँ तो दोबारा से क्या बन जाएगा, स्काई मिल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं कि फंक्शन में इनवर्स क्या होता है। तो देखिए, मैं कोई 2 एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कोई फंक्शन है एक्स है वाई में, राइट। यहाँ एक्स क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट है। मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रास है, फिर इसमें ग्रास की इमेज इधर बनेगी स्काई के अंदर। आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, मैंने इनपुट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया और यहाँ पे आउटपुट ABCD आया। राइट, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, कोई फंक्शन है
एक्स से वाई में। तो एक्स इनपुट मैंने दिए 1, 2, 3 और मान लो आउटपुट क्या है ए और बी। अब इनपुट 1 देने से मान लो आउटपुट ए आ रहा है, 2 देने से बी आ रहा है, 3 देने से सी आ रहा है, 4 देने से डी आ रहा है। और इस केस में 1 देने से ए आ रहा है, 2 देने से ए आ रहा है और 3 देने से क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब ये दोनों फंक्शंस हैं। अब इनवर्स फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अनडू करेंगे। तो अनडू का मतलब क्या है, एक कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा जो इन्वर्टिबल होना चाहिए। कब, जब मैं इसको अनडू करूँगा। अनडू का मतलब क्या है कि वाई वाला मैं पहले ले लूँगा सेगमेंट और एक्स वाला बाद में लूँगा। तो वाई वाला कौन है, ए बी सी डी, और ये कौन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए अब ए इनपुट देने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बी इनपुट देने से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सी इनपुट देने से 3 आ रहा है, डी इनपुट देने से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल सेम मिरर इमेज बन रही, नहीं बन रही यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो जी यहाँ पर एफ का क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। अब यही फंक्शन मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले लिया है। ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इसको अंडू करूँ तो ये वाई से क्या होगा, एक्स। यहाँ पर कौन है ए और कौन है बी, 1, 2, 3। तो इसके अकॉर्डिंग ए की इमेज 1 भी बनेगी, 2 भी बनेगी, बी की इमेज कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है कि ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी फंक्शन में एक इनपुट देने से 2 आउटपुट नहीं आते हैं। फंक्शन वो होता है कि जिसमें 2 या 3 या जितने भी आप इनपुट दे रहे हैं उससे एक यूनिक इमेज तो आ सकती है, है ना, लेकिन एक इनपुट देने से बहुत सारी इमेजेस नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो किस टाइप का फंक्शन है ये, मैनी वन। तो मैनी वन फंक्शन कभी भी टिणे टिणे टिणे, समझ में आया, मैनी वन फंक्शन कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। अगर आप उसको अंडू करोगे ना तो वो एक जैसा दिखाई नहीं देगा, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं होगा मेरे भाई। अब आप खटिया पलट सकते हैं आप। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। कैसे, ये 1, 1 भी है और क्या है, ऑन 2 भी है। तो ऐसे फंक्शन जो 1, 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, या दोनों को एक साथ मैं बोल सकता हूँ कि बाइजेक्टिव हो, क्या हो, बाइजेक्टिव हो, वो फंक्शन कैसे हो सकते हैं, इन्वर्टिबल हो सकते हैं। या उन फंक्शन का आप क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर समझाया गया था। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं ना, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर लगाना है जिसके अंदर इक्विवेलेंस क्लासेस हो गए, रिलेशन फंक्शन के, रिफ्लेक्सेस, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब कुछ अगर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, उसके अंदर मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डाल रखे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, और अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पे एक तो क्या होता है ना, कहावत है, एक तो मरे हुए थे ऊपर से 4 लाते मार के और कोई चला गया। कहने का मतलब, एक तो इन्वर्स नहीं मालूम था, ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मसला। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, है ना। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है x से y में, और वो फंक्शन मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4x+3, राइट। तो यहाँ पे भी मैं एक जनरल वे में ले लेता हूँ कि कोई फंक्शन है x से y में, ठीक है, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ x जो होगा स्मॉल x, वो कैपिटल x से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल y होगा वो कैपिटल y से बिलोंग करेगा। ये आपका डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। आप यहाँ पे जो इनपुट वैल्यूज रखते जाएंगे वहाँ से आउटपुट वैल्यूज मिलती जाएंगे। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, सिमेट्री बनाता चल रहा हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने x बना लिया और यहाँ पर क्या बना लिया, y। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डोमेन x और y है, ये है क्या, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो मैंने इस केस में x को नेचुरल नंबर मान लिया है। तो 1, 2, 3, 4 तक मैं इनपुट दूंगा, बहुत सारे दे सकते हैं। तो बताइए, इनपुट देने से, 1 देने से क्या आएगा, 4 × 1+3 = 7। तो 1 की इमेज कितनी होगी, 7। 2 रखने से क्या आएगा, 4 × 2+3 = 11। 3 रखने से क्या आएगा, टिणे 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 टिणे, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। 3 रखने से इमेज क्या आएगी, 15 आएगी। 4 रखने से इमेज क्या आएगी, 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19।
कितनी 19, राइट। अब ये कोई फंक्शन है x से y में, ये कोई फंक्शन है x से y में, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, fx is equal to 4x plus 3, तो यहाँ से आउटपुट क्या निकल कर आया, y, तो यही तो फंक्शन है fx equal to y, तो आपने इनपुट दे दिया इसके अंदर, तो यही तो इनपुट आएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसका इनवर्स निकालूँ x, तो ये f उधर जाकर क्या बन जाता है, f इनवर्स y बन जाता है, f इनवर्स y, या हम कह सकते हैं कि f इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। नहीं समझ में आया, इधर देखिए यहाँ पर एफ एक्स कौन है, 4x प्लस 3, तो हमारे पास एफ एक्स कौन है, 4x प्लस 3, वो किसके बराबर है, y के बराबर, यही तो था y के बराबर। यहाँ से आपने इन्वर्स निकाला तो f उधर जाकर क्या हो गया, इन्वर्स। अब ये नया फंक्शन बन गया, f इन्वर्स y एक नया फंक्शन बन गया, ये अलग फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन बनने वाला है यहाँ से। देखिए कैसे, 4x इक्वल टू कितना होगा, y माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, और इस फंक्शन को मैं बोल सकता हूँ gy, तो gy किसके बराबर हो गया, y माइनस 3 अपॉन 4। ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन हो सकता है इस फंक्शन का, कब, जब ये 1-1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू, तो ये दिख रहा है ये 1-1 भी है, क्या है, ऑन टू भी है, और चेक करके भी देखेंगे हम। यहाँ पर इनपुट आपने ये दिया तो आउटपुट ये आया, अगर मैं इसको अंडू करूँ तो इनपुट ये दूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने एफ इनवर्स को नया फंक्शन जी मान लिया, एंड दिस जी वाई इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, और जी को मैं क्या ले सकता हूँ, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अब इस केस में हुआ क्या, पहले फंक्शन x से y में था, अब जो फंक्शन आया है आपका g, वो y से किस में हो गया, x में, क्योंकि अब आप इसको अंडू करने वाले हैं। तो जैसे मैं इसको अंडू करूंगा तो देखिए इधर कौन है, 7, 11, 15, 19, और इधर कौन आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इनपुट रखिए 7, तो 7 इनपुट रखेंगे तो 7 माइनस 3 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो 7 रखने से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर 11 रखिए, क्या रखिए, 11, तो 11 माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ पर देखिए जी 11, तो ये कितना बचा, 8/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 2, 11 की इमेज कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप यहाँ पर 15 रखिए तो कितना आएगा, 15 माइनस 3 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। इसी तरह अगर आप 19 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। तो जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी आप फिर से देख सकते हैं, इस इमेज में इनपुट आपने 1, 2, 3, 4, 5 उसमें ग्रास दिया था, तो आउटपुट आपके कितना आया था, 7, 11, 15, 19, ये स्काई में बना था। अगर मैं इसको अंडू करूँ तो दोबारा से वही ग्रास आ जाएगा, मतलब फिर से 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इन्वर्स का। तो इन्वर्स होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, कि फंक्शन 1-1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये जनरलाइज वे है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोल देता कि कोई फंक्शन है एक्स से वाई में तो एफ एस इज इक्वल टू वाई, और बच्चों ये इधर से उधर जाता है तो क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है। अरे बन तो जाता है, लेकिन बनता कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया, एफ एक्स है ये है, राइट। तो ये इनपुट वैल्यूज मैंने पहले ले ली जो किससे बिलोंग करेंगे, डोमेन से, एक्स से। अब जैसे ही मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू वाई में फाइंड करना पड़ेगी, तो यहाँ से मैंने क्या किया, उसको इन्वर्टेबल कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने जो इनपुट इसमें दिए हैं उससे जो आउटपुट आए हैं वो आउटपुट एज अ इनपुट की तरह अगर मैं रखूँ तो दोबारा से मुझे क्या मिलना चाहिए, 1, 2, 3, 4 मिलना चाहिए, और वही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एक्स से वाई में है, तो इसका इन्वर्टेबल फंक्शन जी वाई होगा, वो किस में होगा, वाई से एक्स में, वाई से एक्स में, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, और मेरे ख्याल से अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनपुट होते हैं ना, जो डोमेन होता है और जो रेंज होते हैं, जो नेचुरल इनके डोमेन रेंज होते हैं, वो फंक्शन 1-1 और ऑन टू नहीं होते हैं। तो जो फंक्शन 1-1 ऑन टू या बाइजेक्टिव नहीं होंगे तो उसके इन्वर्स नहीं निकल सकते। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, चैप्टर तो आपको दे रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब इन्वर्स नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो भाई यही तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके डोमेन को मॉडिफाई करेंगे, और इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि फंक्शन क्या बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए, 1-1 और ऑन टू बन जाए, मतलब अंडू और डू दोनों एक जैसे बन जाएं, तो ये इन्वर्टेबल हो सकता है।
अदरवाइज जो उनके नेचुरल डोमेन रेंज है उसमें ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होते हैं। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़े हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते थे। 11th क्लास में उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन एक्स, एक होता है कॉस एक्स, एक होता है टेन एक्स, एक होता है कॉट एक्स, और एक क्या होता है सेक एक्स, और एक क्या होता है कॉसेक एक्स, राइट। अब ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक्स है किस में? वाई में। और एक्स यहाँ पर जो कहलाता है वो इसका डोमेन कहलाता है, और वाई क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है, राइट। अब देखिए, डोमेन और रेंज की नॉलेज अगर आपको नहीं है इसके अंदर तो बहुत मुसीबत होने वाली है। लेकिन आप डरे नहीं, मैं क्या करूँगा, एक एक करके उसका डोमेन रेंज एक्सप्लेन करूँगा, फिर ग्राफ के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई गारंटीड आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा कि हाँ बाकी में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो मैं एक साथ टेबल नहीं बना रहा, सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूँ। किसकी? साइन की। ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, टेबल बाद में बना दूंगा। देखिए, साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। और जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ये 11th क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब इस x के अंदर आप सारे रियल नंबर रख सकते हैं, अब वो रियल नंबर एंगल की फॉर्म में रखेंगे आप, है ना। जैसे 0 हो गया, 0 डिग्री हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, ये वैल्यूज रखेंगे। और ये रियल नंबर से ही बिलोंग करती हैं, जैसे पाई बाई 2 है, है ना, या पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये रियल नंबर ही तो होते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा साइन का, फिर मैं बताऊँगा कि ये 1, 1 और 1, 2 क्यों नहीं है। और जब ये 1, 1 और 2 नहीं है तो हम इसको बनाएंगे कैसे 1, 1 और 2। तो उसके लिए आप एक फिगर बना लीजिए, ये कोई सर्कल ले लीजिए यूनिट रेडियस का, है ना, इधर 1 ऊपर 1, इधर -1, इधर -1। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, इसका 0, 1, इसका -1, 0 और इसका 0, -1। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो पहला जो रेशियो होगा वो कॉस का कहलाएगा, दूसरा साइन का कहलाएगा। पहला कॉस, दूसरा साइन, पहला कॉस, दूसरा साइन, पहला कॉस, दूसरा साइन। अगर मान लो ये कोई एंगल थीटा है तो थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। अब सोचिए, अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो थीटा डिक्रीज होकर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 स्वैप करेगा एंगल ये, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब आप यहाँ से पहले आप ग्राफ बनाइए साइन का। तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। एक्स एक्सिस पर मैंने ये ले लिया पाई बाई 2 माइनस का, और माइनस पाई, और -3 पाई बाई 2 और -2 पाई। अब यहाँ से आप पहले साइन का ग्राफ बना सकते हैं, तभी इन्वर्स समझ में आएगा। देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ऊपर वैल्यू 1 ले ले, इधर मैंने क्या ले ली? -1। तो यहाँ से ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 तक जाएगी। तो 90 पे कितनी हो गई? 1। और 180 पर साइन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये दोबारा 0 पे आ जाएगा। और साइन की वैल्यू 270 पे कितनी हो गई? -1। तो ये -1 पर आएगा ये। और फिर से 2 पाई की वैल्यू साइन की कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा। अगर आप उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -π/2 पर -1, फिर -π पे 0, फिर यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर 0। ये साइन का ग्राफ बन गया, राइट। अब इसमें आप नोटिस करेंगे कि आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं साइन की, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन वैल्यू 1 से -1 से 1 के बीच में ही क्या हो रही हैं? वेरी कर रही। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या हो गया? रेंज क्या हो गई? -1 से 1, और इनपुट सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। अब देखिए, इस केस में अगर आप नोटिस करेंगे, 0 पे भी वैल्यू 0 है, और 2π पे भी वैल्यू 0 है, पाई पे भी 0 है, -π पे भी 0 है। तो अगर मैं इसका मैपिंग बनाऊं, है ना, और वैल्यू 0 कर दूं, और यहाँ पे बोलूँ 0 डिग्री, पाई डिग्री,
टू पाई डिग्री, माइनस पाई, तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? ज़ीरो के बराबर आ रही है। तो ये तो वन वन तो हुआ नहीं, कैसा हो गया ये? मैनी वन हो गया। और यही वजह है कि आप इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे डोमेन में तोड़ना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाए, वन वन बन जाए, है ना। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं है वन वन। मान लो आपने दो वैल्यूज ले ली, एक एक्स वन और एक एक्स टू, तो एक्स वन के करस्पॉन्डिंग और एक्स टू के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी वो यही तो आएगी, और ये वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। अब ये सेम होगी तो इसका मतलब ये मैनी वन हो गया, वन वन हुआ ही नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा रीज़न है जहाँ पर ये वन वन बन सकता है। तो एक रीज़न ये देखो, ये पाई बाई टू और ये क्या है, माइनस पाई बाई टू। अगर आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक का रीज़न देखेंगे तो ये रीज़न में आप इनपुट आप कुछ भी दें, जैसे यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट दिया, आउटपुट वाई एक्सिस पे मिल रहा है, देखो किस पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पर। कुछ भी इनपुट दे दें आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो सारी वैल्यूज तुम्हें कैसी मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी, राइट। यहाँ तक देखो सारी वैल्यू डिफरेंट है, और यहाँ पर आप इनपुट कुछ भी दे दें, है ना, लेकिन कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू तक, तो इसकी इमेज नेगेटिव एक्सिस पर डिफरेंट मिलेंगी आपको। तो हम कह सकते हैं कि हर किसी इनपुट की अपनी अपनी इमेज है, और वो भी इमेज कैसी है, डिफरेंट है। तो ये वन वन भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब आप बोलेंगे सर यही सिर्फ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, और भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ ऐसा डिज़ाइन दिखे आप वहाँ वहाँ तोड़ दीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक का रेस्ट्रिक्शन, कहाँ से कहाँ, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, आगे भी आप क्या कर सकते हैं, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू, आगे भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्या नेगेटिव साइड में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक, ये रीजन भी वन वन है और क्या है, ऑन टू है। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन में क्या क्या लगा सकता हूँ, पहला रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन आउटपुट वही रहेगा, देखो माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, राइट। और क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, और आउटपुट वही रहेगा माइनस वन से वन। ये फंक्शन भी वन वन ऑन टू है, और ये फंक्शन भी क्या है, वन वन ऑन टू है। क्या सर आप और भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू, तब भी आउटपुट क्या रहेगा, माइनस वन से वन, राइट। क्या सर और भी लगा सकते हैं, अरे भाई बहुत सारे लगा सकते हैं, है ना, जितना ग्राफ आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही डोमेन जो है आपको छोटे छोटे डोमेन मिलते जाएंगे, जिसमें ये फंक्शन क्या होगा, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। और देखिए साइन का, यहाँ से देखिए माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, इनपुट ये हो गया और आउटपुट आपका माइनस वन से वन हो गया, ये भी इस केस में क्या है, वन वन है और ऑन टू है। तो इस तरीके से आगे भी आप बहुत सारे बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बहुत सारे बना सकते हैं डोमेन इसके छोटे छोटे, जिसमें ये वन वन भी होगा और क्या होगा, ऑन टू होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इतने सारे डोमेन के लिए हम इन्वर्स पढ़ सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं लेकिन इतना बड़ा दिमाग होना चाहिए, है ना, सोचने के लिए। तो इसलिए एनसीईआरटी के अंदर हम सिर्फ वो वाला डोमेन लेंगे जिसके अंदर ओरिजिन इंक्लूड करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम कौन से ब्रांच के लिए इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेस्ट्रिक्शन आया है वो क्या आया है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आप इनपुट देंगे और आउटपुट क्या आएगा, माइनस वन से वन आएगा, राइट। तो ये लिख लीजिए पहले आप, फिर मैं इसका इन्वर्स समझाता हूँ। ये लिख लिया आपने, चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। टिड़ी टिड़ी, अब खटिया किसकी खड़ी होगी ये तो आपको पता ही है भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूँ, क्या निकालूँ, इन्वर्स, साइन इन्वर्स, तो क्या होता है, डोमेन और रेंज अंडू करेंगे ना, तो जो इसका रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स का डोमेन माइनस वन से वन हुआ और रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया, है ना। अगर मैं इसको मैपिंग से समझाऊँ तो देखिए माइनस वन
और वन और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे और इनके बीच में जितने भी आउटपुट होंगे उन सब की अपनी क्या होगी, यूनिक एंड वन वन एंड ऑन टू इमेज होगी। जब आप इसको अंडू करेंगे तो दोबारा से वही इमेज अपने को मिलेगी इस तरह से, है ना। तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो पहले ये किस में था, एक्स से वाई में, अब ये इन्वर्स किस में हो गया, वाई से एक्स में हो गया। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको इन्वर्स का बता दिया है, इसका साइन का बता दिया है, साइन इन्वर्स। चलिए हटाऊं इसे, अब हम बात करेंगे किसकी, कॉस के, कि कॉस इन्वर्स क्या होता है। देखें अगर आपके पास फंक्शन है एक्स से वाई में और वो फंक्शन है कॉस का, तो कॉस का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होते हैं और रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन। तो जो साइन का केस होता है वही किसका होता है, कॉस का होता है। अब इसमें भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन है ना, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाई बाई टू लेता हूँ और पाई लेता हूँ, थ्री पाई बाई टू लूँगा और कितना लूँगा, टू पाई। इधर ले लो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई और माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस का टू पाई, है ना। ग्राफ बनाएंगे, देखिए कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो नीचे जाएगी माइनस वन, है ना। और फिर थ्री पाई बाई टू की वैल्यू कॉस की क्या हो गई, जीरो। फिर टू पाई पे कितनी हो गई, वन हो गई, राइट। इसी तरह पीछे की तरफ बढ़ेगा ये ग्राफ, टेणे टेणे। अगर ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बहुत आसान लगता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से देख लीजिए ग्राफ कैसे बना है, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ दो वैल्यूज़ के लिए, एक x1 और x2 के लिए, तो इन दोनों पर, दोनों वैल्यूज़ पर इमेज क्या आएगी, सेम आएगी यहाँ पर जो इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है, तो इसका इन्वर्टिबल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन निकाल सकते हैं कैसे, इसको छोटे छोटे डोमेन में तोड़कर। और देखिए कैसे वन वन और ऑन टू नहीं है, देखिए पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है, जीरो है। थ्री पाई बाई टू पर भी वैल्यू क्या है, जीरो है। और माइनस थ्री पाई बाई टू पर भी क्या है, जीरो है। तो जीरो बहुत सारे इनपुट की क्या है, इमेज है। तो ये वन वन नहीं है, कैसा है, ये मैनी वन है, है ना। अब देखिए अब इसको मैं कैसे रेस्ट्रिक्ट करूं कि ये क्या बन जाए, वन वन बन जाए और ऑन टू बन जाए। तो ज़रा नोटिस करिए कौन सा सेगमेंट बन सकता है, ये बन सकता है यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब देखिए इसके अंदर आप कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट इधर ही तो आएगा, सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज बनेगी, डिफरेंट इमेज बनेगी और सभी की अपनी इमेज बनेगी। तो ये वन वन भी हो गया और क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। देखिए बन रहा है, टेढ़ी टेढ़ी। तो कहाँ से कहाँ तक ये वन वन और ऑन टू होगा, जीरो से पाई के बीच में। आप बोलेंगे सर आगे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पाई से टू पाई हो सकता है, फिर टू पाई से थ्री पाई हो सकता है। और उल्टा क्या बन सकता है, उल्टा बन सकता है ये यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस पाई से जीरो बन सकता है। तो मैं एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ यहाँ पे, देखिए पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है, जीरो से पाई, आउटपुट वही रहेगा आपका माइनस वन से वन। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है, पाई से टू पाई, देखिए पाई से टू पाई, तब भी आउटपुट क्या आएगा, माइनस वन से वन। आगे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप, टू पाई से थ्री पाई, तब भी आउटपुट क्या रहेगा, माइनस वन से वन। नेगेटिव साइड में भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कहाँ से कहाँ, माइनस पाई से ज़ीरो, माइनस पाई से ज़ीरो, आउटपुट वही रहेगा, है ना। और भी लिख सकते हैं, माइनस टू पाई से पाई, माइनस टू पाई से माइनस पाई। लेकिन इतने सारे ब्रांच के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ किसका इन्वर्स बताना है, जिसका डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या मानेंगे, जिसमें ओरिजिन इंक्लूड होता है, तो जीरो से पाई। अब देखिए इसका जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इन्वर्स। तो कॉस का इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स, है ना। ये कैसे पढ़ाए जाते हैं, इधर देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाकर क्या बन जाता है, साइन इन्वर्स वाई बन जाता है, राइट। इसी तरह कॉस का देखिए, कॉस एक्स इक्वल टू कितना है, वाई, एक्स इनपुट है, वाई क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ से इन्वर्स क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स वाई,
है ना, रेसिप्रोकल नहीं है ये, इनवर्स है। अगर मैं इसको अंडू करूँगा तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से वाई कितना हुआ, माइनस वन से वन, और आउटपुट कितना आएगा, जीरो से पाई। ये नोट कर लीजिए आप, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो साइन का क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज ब्रैकेट, उसका आउटपुट था, और इसका आउटपुट कितना है, जीरो से पाई। और दोनों के लिए इनपुट इनवर्स में क्या है, सेम है, माइनस वन से पाई। हटाओ इसे। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, टेन फंक्शन की बात करेंगे। देखिए टेन के बारे में हम किस तरह से उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे और वन वन और ऑन टू बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लो कोई फंक्शन है एक्स से वाई में और वो फंक्शन है आपका टेन, तो टेन का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, क्योंकि टेन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब कॉस की वो वैल्यूज जिस पर कॉस की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पर, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। और कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होती है, 90 पर और 3 पाई बाई 2 पर, एक 90 पर और एक 3 पाई बाई 2 पर, फिर 5 पाई बाई 2 पर, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स पर। तो यहाँ पर आप सारे रियल नंबर लेंगे लेकिन वो नंबर हटा देंगे x, जो x किसके मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होंगे, और जिसमें n बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो आउटपुट आता है वो सारे क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं, है ना। साइन और कॉस के केस में रियल नंबर नहीं आते हैं, साइन और कॉस के केस में क्या आते हैं, माइनस वन से वन आते हैं, यहाँ सारे क्या आते हैं, रियल नंबर। लेकिन इनपुट सारे रियल नंबर नहीं है, 90 के मल्टीपल नहीं लेंगे हम। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाऊं मैं, ये तो ग्राफ से ही पता चलेगा। चलिए ग्राफ बनाता हूँ मैं, ठेड़े ठेड़े ये हटा देता हूँ। देखिए ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया थ्री पाई बाई टू, ये हो गया पाई, और ये हो गया थ्री पाई बाई टू, और ये कितना हो गया टू पाई, ये हो गया माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस टू पाई, राइट। तो देखिए टेन जीरो की वैल्यू, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही तो होगी, है ना। तो इसको समझने के लिए मैं एक 90 पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आए, राइट। अब बताइए टेन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ 90 रखूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो जैसे जैसे मैं ज़ीरो से वैल्यू बढ़ाऊँगा, जैसे 10-30 की वैल्यू रखूँगा, तो 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर की तरफ एक्सीड करेगी। 10-60 की रखूँगा तो 10-60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो और ऊपर को एक्सीड करेगी। लेकिन जैसे ही मैं 90 रखूँगा तो ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये ग्राफ बनेगा। सेम चीज़ अगर आप इधर लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, या बोल सकते हैं नीचे की तरफ डिक्रीज होगी, और माइनस 90 पर कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा, है ना। आगे की वैल्यूज़ के लिए बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक ये हटा देता हूँ मैं, एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए टेन पाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, 1,0 है ना, पहला कॉस हो गया, दूसरा क्या हो गया, साइन, तो साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू इंक्रीज करूंगा और 3 पाई बाई 2 पर जाऊंगा, तो 3 पाई बाई 2 पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, और नीचे क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 90 पर क्या हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह नीचे की तरफ आप नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे तो नीचे की तरफ इनफाइनाइट पर चला जाएगा, ये है ना, हो गया। तो इस तरीके से आप आगे भी बना सकते हैं और इस साइड भी बना सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं रेस्ट्रिक्शन लगाऊं, तो पहला रेस्ट्रिक्शन तो देखिए यही हो गया तुम्हारा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, पाई बाई टू नहीं ले सकता मैं इसमें, क्योंकि पाई बाई टू लेने पर नॉट डिफाइन आ रहा है। इन सभी डिफरेंट वैल्यूज़ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं। तो ये वन वन भी है और क्या है, ऑन टू भी है, देखिए है ना, बाइजेक्टिव बोल रहा है इसमें। लेकिन आप पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट बनाएंगे, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू,
और आउटपुट क्या आएगा, सारे रियल नंबर। तो देखो ऊपर से ये यहाँ तक ये सारे नंबर है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ऊपर भी प्लस इनफाइनाइट होगा, नीचे क्या होगा माइनस इनफाइनाइट होगा, तो सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे आउटपुट में, लेकिन इनपुट में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहेंगे। तो क्या और भी आप डोमेन बना सकते हैं? बिल्कुल, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू, इधर भी आप नेगेटिव में बना सकते हैं, लेकिन इतने सारे डोमेन हम नहीं लेंगे, सिर्फ वही लेंगे जिसमें ओरिजिन इंक्लूड होता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसके लिए हम इन्वर्स पढ़ेंगे। तो बताइए भाई इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स रियल नंबर और आउटपुट क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, बाकी की जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका ग्राफ नहीं बना रहा मैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ग्राफ बनाइए। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से इसको रेस्ट्रिक्ट करना है डोमेन को वन वन और ऑन टू बनाने के लिए, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए कॉट, टेन के बाद कॉट आएंगे, कॉट होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें वो वाले नंबर्स नहीं होंगे जिस पर कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, जिस पर साइन की वैल्यू उस एंगल पर जीरो होती है, तो वो वैल्यूज नहीं आएंगे। तो जीरो किसके पर होती है, जीरो पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है जीरो, टू पाई की वैल्यू भी जीरो। तो यहाँ से x सच दैट x इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वैल्यूज आप इसमें से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए कॉट के अंदर ये इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। लेकिन इसमें जो आउटपुट आता है वो सारे क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, क्या आएंगे, रियल नंबर। कॉट के ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाऊं तो रेस्ट्रिक्शन आपका आएगा जीरो से पाई, लेकिन इसमें जीरो और पाई इंक्लूड नहीं होंगे, और क्या आएंगे आउटपुट, इसमें सारे रियल नंबर। और इसका जब मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसका इन्वर्स निकालूंगा तो ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर और जीरो से पाई इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, किसका, कॉट का, नोट कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद हम किसका पढ़ेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अब हम बात करेंगे सेक के। तो देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है वन अपॉन कॉस, तो कॉस की किस किस वैल्यूज पे, कॉस की वैल्यू जीरो होती है किस किस एंगल पर, एक तो 90 पे होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, है ना, और थ्री पाई बाई टू, तो वो वाले सारे 90 के मल्टीपल हम माइनस कर देंगे, सारे रियल नंबर होंगे। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये इसमें से हम एक्सक्लूड कर देंगे, जहाँ एन बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, लेकिन इसके अंदर जो आउटपुट होगा वो सारे रियल नंबर नहीं होंगे, वो होंगे आपके माइनस वन और वन के बीच की वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करके, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, अब देखें यहाँ पर अगर मैं थीटा एंगल ले लूँ तो किसी भी एंगल थीटा के लिए आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए, आउटपुट कभी भी माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू नहीं आएगी निकल के, माइनस वन और वन, इसके बीच में जीरो होता है, 0.5 होता है, 0.6 होता है, माइनस 0.6 होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, आप कुछ भी रख के देख लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 30 रखा तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, तो टू ऊपर चला गया, ये कितना हो गया 1.7, पॉइंट बढ़ाऊँगा जीरो बढ़ाऊँगा तो कितना आएगा 20/70, तो ये 1 कुछ आएगा, तो देखो 1 से बाहर जा रहा है, है ना। 11th क्लास में समझाया जाता है, मैंने इसलिए समझा दिया, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, है ना। कुछ भी रख के देख लो आप, माइनस वन तो आ सकता है, जीरो रखो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, वन से वन कट गया, वन आ सकता है, माइनस वन भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, लेकिन उसके बीच की वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए सारे रियल नंबर नहीं आएंगे इसमें आउटपुट, है ना। वो नंबर हटा देंगे जो माइनस वन और वन के बीच में। अब इसका रेस्ट्रिक्शन मैं क्या लगाऊँ, अब देखिए इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन आपको इस तरह लगाना है कि ये वन वन भी बने और क्या बने, ऑन टू भी बने। तो देखिए इसका रेस्ट्रिक्शन होगा जीरो से पाई, राइट, और इसमें वो नंबर हटा दीजिए जिस पर, जिस एंगल पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और वो कौन है 90, तो 90 इसमें से माइनस कर दीजिए, रेस्ट्रिक्शन लग गया और रेंज आपकी यही रहेगी माइनस वन से वन। तो ये आपका रेस्ट्रिक्टेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec x हो गया, जो अब तैयार है क्या बनने के लिए, इन्वर्टेबल बनने के लिए। तो जैसे मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो sec इन्वर्स क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर माइनस वन से वन, और आउटपुट क्या आएगा, जीरो से पाई और एक्सक्लूडिंग पाई बाई टू, क्योंकि इसके बीच में π
पाई बाई टू भी आएगा ना, वो पाई बाई टू पर sec इनवर्स नॉट डिफाइन होगा, तो इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब लास्ट फंक्शन बचा हुआ है कौन सा, cosec वाला, देखिए क्या है। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फंक्शन है आपके पास cosec, है ना। cosec का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन cosec क्या होता है, वन अपॉन साइन। तो साइन के किस एंगल पर वैल्यू जीरो होती है, जीरो पे होती है, है ना, पाई पे होती है। तो ये सारी वैल्यू आप हटा दीजिए, एक्स इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये वैल्यू आप एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि इस पर नॉट डिफाइन होता है। लेकिन इससे जो रेंज आएगी निकल कर, ये वही केस होगा जो आपका sec वाला था, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे थीटा की, है ना, तो वो वैल्यू हमेशा या तो वन से बड़ी आएगी या माइनस वन से क्या आएगी, छोटी आएगी। वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होंगी जो इसके बीच के होंगे, तो इसलिए रेंज क्या होगा, आर माइनस माइनस वन टू वन। अब इसका रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाऊं, इसका रेस्ट्रिक्शन होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंक्लूड होगा ये, और इसमें से वो वैल्यू माइनस कर दो जिससे ये नॉट डिफाइन हो रहा है, तो जीरो वैल्यू आप माइनस कर दो, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की है ना, तो इसलिए जीरो माइनस करा है। आगे आप लेंगे तो पाई माइनस करेंगे, और आगे लेंगे तो टू पाई माइनस करेंगे, है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। पिछले वाले केस में भी वही था, आपने पाई बाई टू माइनस कराया था तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था, आगे अगर आप अगला डोमेन लेंगे तो थ्री पाई बाई टू माइनस करेंगे उसमें। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया मैंने और ये हो गया माइनस वन से वन। अब ये तैयार हो गया क्या बनने के लिए, इन्वर्टिबल बनने के लिए। अपने नेचुरल डोमेन में नहीं हो रहा था ये, नेचुरल डोमेन में क्योंकि ना तो वन वन है ना ही वन टू है, अब है ये वन वन भी है वन टू भी है, और जैसे ही मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा तो क्या पड़ा जाएगा, cosec इन्वर्स आर माइनस वन से वन, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जीरो एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये सारे जितने मैंने साइन से लेकर और cosec तक पढ़ाए हैं आपको, ये आप नोट डाउन करिए उसके अंदर, और मैंने लास्ट में इमेज भी लगा रखी जो एनसीईआरटी की इमेज है, बिल्कुल सेम आपको वही डोमेन रेंज मिलेंगे साइन के भी। दो टेबल लगाई मैंने यहाँ पर, साइन का भी और किसका, इनवर्स का भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी लगाई है और उसके इन्वर्टेबल फंक्शन की भी लगाई है इमेज, आप आसानी से देख सकते हैं, राइट। चलिए वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।